उस लड़के की मदद करने को कहा। वाइशल बर्गर अब भी उससे जमकर काम ले रहा था और उसे स्कूल नहीं जाने दे रहा था, मगर राजकुमार के काउंसलर ने दखल देकर जोसेफ को एक ऑप्टिकल इंस्टीट्यूट में काम दिला दिया। इस छोटी सी मदद ने बहुत बड़ा काम किया। जब जोसेफ फ्रॉनहोफर 27 साल का हुआ तब तक वो दुनिया का सबसे मशहूर डिजाइनर बन चुका था। हाई क्वालिटी लेंस, टेलीस्कोप और दूसरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए उसकी फर्म यही थी, इस पुराने बेनेडिक्ट ब्यूरेन एबी में। 19वीं सदी की शुरुआत में ये टॉप सीक्रेट अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी थी।